ये गन किस किस जगह की सीमाओं पे ज़्यादातर यूज़ होता है भारत में? जैसे भी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान बॉर्डर LOC में तैनात हैं आजकल हर मतलब बॉर्डर पे। किस इस प्रकार के आयोजन के लिए क्या कहना चाहोगे छत्तीसगढ़ सरकार को, क्योंकि जो चीज़ें हैं जैसे आर्टलरी जो हम पिक्चरों में ये सब चीज़ें देखते हैं वो लाइव देखने का मौका मिल रहा है, उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है। मेरे को इतना उत्साहित लगेगा कि मेरे को भी सेना में जाना चाहिए था, एक चीज़ था कि काश मैं भी इसमें रहता योगदान दे। यस सर, अपने बच्चों को भी लेके आया हूँ इसमें और साथ यहाँ से सीखने के बाद लगता है कि बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करें, प्रिपेयर करो, मेरी बच्ची है वो उसे इनको उनको इस चीज़ में मैं प्रोत्साहित करूँगा। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जिस गन का प्रयोग किया गया था ओल्ड जैपनीज गन, इसके बारे में भी देख लीजिए, इसका प्रयोग फिलहाल बंद है मगर बिल्कुल टेंशन नहीं है अभी हमको, किसी चीज़ का डर नहीं है और अभी हमको लग रहा है कि नहीं हमारी सेना में बहुत दम है और हम आराम से चैन से सो सकते हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर में भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह का आयोजन किया गया है जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर तक होना था मगर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके एक दिन और बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ जो लोग आ रहे थे इस प्रदर्शनी को देखने के लिए उनमें जो उत्साह था उसको देखते हुए इसे एक दिन और बढ़ाया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि अब 7 अक्टूबर को भी ये जो प्रदर्शनी है ये कंटिन्यू जारी रहेगी। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में ये पूरा आयोजन किया गया है जिसमें आपको बता दूँ कि सुबह 8 बजे से 10 बजे तक ये आयोजन किया जाता है जहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है और उसके बाद शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ये आयोजन किया जाता है जिसमें आप देख सकते हैं तमाम जितने भी जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में टैंक के नाम से जानते हैं, तोप के नाम से जानते हैं, उसका असल नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो कितने रेंज की अपने जो सामने टारगेट है उसे भेज सकता है, तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी हुई है। एक से बढ़कर एक जो है वो सारे आर्टलरीज और टैंक्स और जो तोप है वो तमाम आए हुए और लोगों का उत्साह आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनी का समय अभी नहीं है, अभी हम लोग दोपहर के 2 बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब लोग आमतौर पर ऐसी यहाँ देखने आए हैं क्योंकि यहाँ पर जो सेना के जवान तैनात है जिन जो सारी जानकारी दे रहे हैं किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, लोग भी यहाँ लोगों से भी बातचीत करेंगे और इसके साथ ही हम ये तमाम जानकारी आप तक साझा करने का प्रयास। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये उसकी डिटेल सामने दी गई है, 105 mm इंडियन फील्ड गन इसका नाम है जिसकी डिटेल यहाँ लोगों को समझाई जा रही है कि भाई आखिर किस प्रकार से ये गन जो है वो काम करती है। भारत द्वारा बनाई गई ये फील्ड गन है जिसकी लंबाई 5.95 मीटर लंबी है, 17 किलोमीटर के आसपास जो टारगेट है उसको भेज सकता है और इसकी क्षमता आपको बता दूँ उच्च और निम्न कोटि की गोलाबारी करता है, 1 मिनट में 6 गोले दागने की काबिलियत रखता है और दुश्मन के टैंक के खिलाफ कारगर साबित होता है। ये वही गन है जिसके बारे में लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई किस प्रकार से काम करता है। उसके साथ ही एक दूसरा गन आपको दिखा दें क्योंकि इसे गन ही कहा जाता है, हम आमतौर की भाषा में इसे तोप और तमाम चीज़ें कहते हैं, तो गन किस प्रकार से ये गन काम करता है और क्या नाम है इसका तमाम चीज़ें। ये जो गन है ये स्वीडन का बनाया गया है, स्वीडन का बनाया गया है और संचालित एंटी एयरक्राफ्ट कैनन है ये। आप तस्वीर देख सकते हैं, इसका एक सैंपल सामने रखा हुआ है जिसमें लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई ये गन किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से यहाँ पर चलते हैं और लोग यहाँ पर आके फ़ोटो खिंचा रहे हैं और तमाम चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं और तमाम जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई हमारी जो देश की सेना है वो किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से वर्क करती है। सर, इस गन का नाम क्या है और किस प्रकार से काम करती है? सर, इसका नाम है Ku-40mm L70 गन है जो कि एंटी एयर डिफेंस का काम करता है। सर, ये मल्टी रोल में काम करता है जो कि हम ग्राउंड टारगेट को एंगेज करते हैं और साथ में एयर टारगेट को, मेन रोल होता है हवा में उड़ने वाला कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करना। इसमें मोड ऑफ ऑपरेशन 3 टाइप का होता है सर, जो कि मैनुअल मोड में और दूसरा LPC पावर सप्लाई देकर ऑपरेट कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो कि हम राडार के साथ कम्युनिकेशन करते हैं और टारगेट को मार गिराने में बहुत आसान होता है। मुख्य रूप से सर ये गन किस जगह की सीमाओं पे ज़्यादातर यूज़ होता है भारत में? जैसे भी लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान बॉर्डर LOC में तैनात हैं आजकल हर मतलब बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट, खास करके J&K एरिया में डिप्लॉयड है ऑलरेडी, उसमें जहाँ पर एयर अटैक होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं वहाँ पर ये ज़्यादा, बिल्कुल जहाँ पर एयर अटैक होता है वहाँ पर ऐसे डिप्लॉय कर सकते हैं। आर्टलरीज और किस प्रकार की गन्स यहाँ पर आए हुए हैं जो लोगों को जिसके बारे में समझाया जा रहा है, बारे में बताया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें लोग यहाँ पर उत्सुक होकर इसको देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं। क्या समझ आया अभी तक? कुछ नहीं, अभी अभी बहुत कुछ समझ आ रहा है। क्या समझ आया? कुछ नहीं, अपने को भी आर्मी में जाना है, जाना है। इसके रेंज के बारे में बताया कि कितने रेंज तक, मतलब इसी पहले सिर्फ पिक्चरों के माध्यम से देखते थे कि भाई इस तरीके की चीज़ें यूज हो गई, आज अच्छा लगा देख कि हाँ रायपुर में भी करवा रहे कि सबके सामने, मतलब पूरा जितना भी जैसे मिलिट्री में होता है वैसा आज हमारे आंखों के सामने रखा है, अब अच्छा लग रहा है देख के कि कुछ की है, मतलब अच्छी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुँच रही है कि हमको भी जानने मिलता है कि
आज की मिलिट्री लोग कैसे अपने जितने भी मिलिट्री आइटम्स रहते हैं उसको कैसे यूज करते हैं, हाँ, प्रकार से दुश्मनों को। हाँ सर, क्या नाम है, क्या काम है और किस प्रकार से वर्क करता है? इसका नाम है JDU-23mm एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये मेनली दुश्मन के एयरक्राफ्ट को गिराने के लिए बना हुआ है। इसका ये रशिया मेड है। मिनट में 2000 गोली दाग सकता है। एक मिनट में 2000 गोली। ये मेनली एयरक्राफ्ट को ही टारगेट करता है, ग्राउंड में इसका कोई काम? कोई काम नहीं, ग्राउंड टू एयर में फायर होता है बस। तो ये जब गन कहीं तैनात रहती है तो ये मूवेबल है कि एक जगह स्टिक रहती है? मूवेबल है, इसीलिए टायर लगा हुआ है मूव करने के लिए। कहीं मूव करना हो तो टायर सीधा करता है फिर लेके जाते हैं। टायर सीधा हो के फिर आगे मूव करते हैं। और आप ये जो एक बहुत बड़ी टैंक टाइप की देख रहे हैं जिसके ऊपर लोग चढ़कर इसमें जानने का सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आखिर किस प्रकार से ये काम करते हैं, क्योंकि लोग जो है वो वहाँ काफ़ी उत्सुक हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ लाकर फोटो खिंचा रहे हैं। सर सर कहाँ से हैं? मैं रायपुर से। सर कब से आए हैं इस प्रदर्शनी? कितना टाइम हो गया? मुझे एक घंटा हो गया। एक घंटा हो गया जी जी। एक घंटे में क्या कुछ देख के लगा और कितनी उत्सुकता है सारी जानकारी? देखिए मेरे को इतना उत्साहित लगा कि मेरे को भी सेना में जाना चाहिए था। एक चीज़ था कि काश मैं भी इसमें रहता, योगदान देता। सर मैं अपने बच्चों को भी लेके आया हूँ इसमें और साथ में। यहाँ से सीखने के बाद लगता है कि बच्चों को उसके लिए प्रिपेयर करेंगे? प्रिपेयर करो, मेरी बच्ची है वो, उसे उनको इस चीज़ में मैं प्रोत्साहित करूँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। ये जो टैंक है इसके बारे में लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं और हर एक प्रोडक्ट के पास, हर एक जो टैंक है उसके पास जो लोग हैं वहाँ पर लोग जो आर्मी के जवान हैं वो तैनात हैं जो इनकी सारी जानकारियाँ दे रहे हैं। क्या कुछ सीखे अभी तक, क्या कुछ समझ आया टैंक के बारे में? अभी तो हम लोग फिलहाल देख ही रहे हैं, अब टैंक वगैरह सब चीज़ बहुत अच्छा है दिखने के लिए। दिखने में ही अच्छा है कि हमला करने? नहीं नहीं, अब हमला तो ऐसे तो अभी हुआ नहीं है, अब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन बाकी अभी हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमेशा होना चाहिए ताकि जो छोटे छोटे बच्चे लोग रहते हैं उनको सीखने को मिले कि हमारे देश में भी ऐसे ऐसे तकनीक की मशीन है। हाँ, और थोड़ा जानने की इच्छा, उससे क्या है बुद्धि बढ़ता भी है, उससे जानकारी ज्ञान प्राप्ति होती है जी। तो आपको बता दें ये जो टैंक आप देख रहे हैं ये रूस में टैंक है, रूस द्वारा बनाया गया है, रशिया द्वारा बनाया गया है और इसकी लंबाई जो है 6.6 मीटर है। और ये आपको बता दूँ इसका नाम ऑटोमेटिक सैम सिस्टम है जो 10mm वाले वेपन्स हैं। और ये आपको बता दें स्वचलित ज़मीन से हवा में, मतलब ये खुद ब खुद चल के ज़मीन से हवा की ओर फायर करता है, जो एयरक्राफ्ट जितने होते हैं उसमें फायर करता है। आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से फायरिंग करता है और किस प्रकार से इसके जो रॉकेट नुमा गोलियां होती है वो जाती है और एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करती है। और इसकी गति की आपको बता दें कि 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है। और इसके साथ ही और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ये हेलीकॉप्टर टाइप से, प्लेन टाइप से चीज़ें दिख रही है। अब ये क्या है ये समझने का प्रयास करते हैं। एरो मॉडल से है, 33cc, 62cc और 100cc, तीन अलग अलग सीसी के एरो मॉडल्स बनाए गए हैं जो क्लस्टर्स मॉडल है। और इसके साथ ही तमाम चीज़ें जो है आप लोग देख रहे होंगे किस प्रकार से लोग उत्साहित हैं इसको देखने के लिए। लंबी कतारें लगी है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, क्योंकि यहाँ पर जो है जो यहाँ से जो पंडाल शुरू होते हैं यहाँ से गन लगे गए हैं, जो गन हम पिक्चरों में देखते हैं जो तमाम जगह पर देखते हैं वो गन के प्रदर्शनी लगाई गई है और लोग उसके लिए लाइन लगाए हुए हैं कि भाई आखिर किस प्रकार की गन जो है वो हमारी सेना यूज़ करती है, जो हमारी सेना प्रयोग करती है। कहाँ रहते हो? मैं प्रॉपर धमतरी से हूँ। धमतरी से जी। तो स्पेशली इसके लिए आए हो कि किसी और काम से आए? स्पेशली इसी के लिए आए हूं। इसी के लिए आए जी। किस इस प्रकार के आयोजन के लिए क्या कहना चाहोगे छत्तीसगढ़ सरकार को, क्योंकि जो चीज़ें हैं जैसे आर्टलरी जो हम पिक्चरों में ये सब चीज़ें देखते हैं वो लाइव देखने का मौका मिल रहा है, उसके बारे में जानने का मौका मिल रहा है? ये पहला बार है छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है और इस प्रकार का आयोजन होते रहना चाहिए जिससे कि सेना का मनोबल भी मतलब हमारे प्रति जो बना रहे और इंसान भी सेफ फील करे, भाई हम ये सारे हथियार तो हम सुरक्षित जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी जी। अंकल जी नमस्कार, कहाँ से आए हैं? अवनपुर से आए हैं हम। अवनपुर से इसको देखने आए हैं? बिल्कुल, इसको देखने आए हैं हम लोग। अभी कैसा लग रहा है पूरा आयोजन? अभी आए ही हम लोग, अभी तो आज दिन तो अच्छा लग रहा है। बोलते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो पहली बार जब घुसे अंदर देखा कि भाई ये सारी चीज़ें, ये जो तोप जिसको हम टैंक तोप कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, ये सारी प्रदर्शनी में लगा हुआ है, तो कैसा उत्सुकता था, कैसे उमंग तो लग रही है हमको देखने की? पहली बार देख रहे हैं हम, अभी देखा ही नहीं था, क्योंकि बॉर्डर पर इस तरह के हथियार होते हैं और हमारे जबकि छत्तीसगढ़ में हमारी राजधानी में जो आए हैं हमको देखने का सौभाग्य मिला है हमको पहली बार। किस तरीके से हमारी सेना काम करती है, बॉर्डर काम करती है। आपको और भी अंदर दिखाते किस प्रकार से जो हथियार हैं जो गन्स हैं उसको लगाए गए हैं और
लाइन से लोगों को दिखाने का, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बनाई गई है बराबर तरीके से और एक से बढ़कर एक गन जो हमारी सेना प्रयोग में करती है आप देख सकते हैं। सर इसका नाम क्या है और ये किस प्रकार से गन मशीन 7.62 mm नेगेब इजराइल का सर ये बना हुआ है। 800 मीटर इसका इफेक्टिव रेंज है, 800 मीटर दूर तक इसकी गोली जाती है। हाँ हाँ, एक मिनट में 800 राउंड फायर करने की इसकी क्षमता है। 120 राउंड का इसमें ये साल्ट ड्रम लगा हुआ है। ठीक है, मुख्य रूप से कहाँ पर प्रयोग की जाती है इसको, कोई ऐसा जगह होगी कि भाई इस तरीके की जगहों पर ज़्यादा या फिर हर जगह पर कॉमन रहती है? हर जगह पर कॉमन है, खासकर ये LC के ऊपर ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और ये इसके बगल वाली जो गन है ये कौन सी गन है? सर ये ओल्ड जापानीज गन है। सर ओल्ड जापानीज, तो अभी इसका प्रयोग होता है? नहीं, इसका इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे हुआ था, उसके बाद से बंद है। उसके बाद से बंद। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जिस गन का प्रयोग किया गया था, ओल्ड जापानीज गन, इसके बारे में भी देख लीजिए। इसका प्रयोग फिलहाल बंद है, मगर इसको भी प्रदर्शनी में लगाया गया है ताकि लोग इसके बारे में जान सके, लोग इसके बारे में समझ सके कि किस प्रकार से। कितनी उत्सुकता हो रही है सर ये सारी चीज़ों को देखकर? बहुत बहुत, एक प्राउड महसूस हो रहा है कि हमारे देश में हमारे देश में भी। तो ये तमाम गन है, पुराने से पुरानी और बड़ी से बड़ी गन है। आप तो ये जानकारी इसमें सारी चीज़ें लिखी गई है, इंग्लैंड मेड गन है, इंग्लैंड द्वारा बनाई गई है और देख सकते हैं पुरानी से पुरानी गन जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, लगाई गई है प्रदर्शनी में। और बच्चे जो हैं वो बड़े चाव से इसको उठाकर इसका प्रयोग कर रहे हैं, जो कि अलाउड बिल्कुल नहीं है। लोग सिर्फ प्रदर्शनी में देखने के लिए है, इसको टच करके इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। और साथ में लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं सारी चीज़ों को देखकर, एक से बढ़कर एक गन जो सेना में प्रयोग की जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शनी के रूप में लगाई गई है। आप क्या कहना चाहते हैं इस प्रकार की प्रदर्शनी को लेकर, इस प्रकार के आयोजन को लेकर, जहां से लोगों को इतनी सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है, आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी बन रहे हमारे साथ सर, कहां से आए हैं? रायपुर से ही हैं हम। रायपुर से ही हैं जी। आपके अपने रायपुर में इतना अच्छा प्रदर्शनी लगाया गया है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है, मेरा भी आ रहा है ना फोटो। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि हमको उन्होंने कुछ दिखाया, हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। आज से पहले सर क्या जानकारी थी कि हमारी सेना इतने सारे हथियारों का प्रयोग करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं थी जानकारी, अभी मिली है, बहुत बढ़िया। मेरा बेटा, उसको भी दिखाओ न्यूज़ में, आ जा कुकी। सर जैसे कहते हैं कि सेना के बल पे जब सेना तैनात रहती है, बॉर्डर पे सेना तैनात रहती है, तो हम चैन की नींद सोते हैं। अब इतने हथियारों को देखने के बाद लगता है नींद और अच्छी आने वाली है, बेहतरीन नींद आएगी, एकदम जबरदस्त नींद आएगी, शांति की नींद आएगी, बिल्कुल टेंशन नहीं है अभी हमको, किसी चीज़ का डर नहीं है। और अभी हमको लग रहा है कि नहीं, हमारी सेना में बहुत दम है और हम आराम से चैन से सो सकते हैं। क्या करते हो आप? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ। कौन से क्लास में हो? फोर्थ। फोर्थ में क्या कुछ देखे यहाँ अभी तक? मैं गन्स देखा। कैसा लगा? अच्छा था। तो आर्मी में जाने की तैयारी शुरू करना है? मैं क्रिकेटर बनूंगा। क्रिकेटर बनोगे, आर्मी में नहीं जाना है? तो गन्स देख के क्या कहना चाहते हो? मजा आ रहा है देख के? खरीदूंगा। खरीदोगे काहे के लिए? सेफ्टी के लिए। किसकी? अपनी की, देश की सेफ्टी? दोनों की सेफ्टी के लिए? मेरी सेफ्टी के लिए। ये पूरा सेल्फी है। तो देख सकते हैं आप, लोग यहाँ बड़े उत्साहित हैं और बड़े खुशी से सारी चीज़ें देख रहे हैं। देखने के बाद अपनी सेना अपने देश पर गर्व महसूस कर रहे कि हमारी सेना अब किसी से कम नहीं और अब हम किसी भी देश से लोहा लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इन प्रदर्शनी के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।